ज़रा अभी स्ट्रगलिंग पीपल हैं वो एज अ लेसन ले रहे होते हैं इसे। वैसे मैंने आज तक किसी को देखा नहीं इसको फाइन, ये सही कह रही कि सीरियस हम हो लोग जाते सुन लेते हैं, मैं भी सुन लेती हूँ, हाँ। चलो ठीक है जी सही है, लेकिन मैंने कुछ लोग देखे हैं हारिस जो इस चीज को बहुत सीरियस ले लेते हैं, और अगर है। आपने बता दिया ना किसी को तो बस वो लड़ने झड़ने आ जाएंगे, आपने तो मुझे ये कहा था, आपने तो मुझे ये कहा था, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप, बहुत बड़ी जिम्मेदारी, इन्होंने मैच का बोल दिया था, दूसरे दिन इनकी जो हालत थी, असल में कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक, कौन बात कर रही हैं? मैं जमीला कराची से बात कर रही हूँ। क्या हाल चाल है आपका? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक जी। मैं आंसर भी देना चाहूंगी, हाँ। लाहौर जी जी, मैं अतिका साहिबा से बात भी करना चाहती थी और हाल चाल से भी। अच्छा हेलो सलामकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत खूबसूरत है, शुक्रिया। और आपके प्रोग्राम और बहुत ही अच्छे होते हैं। अच्छा, और मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहूंगी कि मेरी बेटी की स्किन है ना ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती है धूप में निकलती, तो आपकी कौन सी प्रोडक्ट यूज करे कि इसकी स्किन लेवल पे आ जाए? ओके, अच्छा, यहाँ पे दो दो चीजें करनी पड़ेंगी आपकी बेटी को, कि एक तो सन ब्लॉक आप लें, क्रीम के फॉर्म में आता है, लिक्विड फॉर्म में आता है सनब्लॉक, वो मेरे प्रोडक्ट्स में नहीं है, वो होते हैं स्किन केयर में आता है। अच्छा। वो आप सनब्लॉक लगाया करें हर रोज बेटी के जब सुबह निकलती है ना, सिर्फ नहीं होती है धूप में ना, जब तक आप उन प्रिवेंटिव में नहीं जाएंगी, आप कुछ भी लगा लें वो धब्बे दाग नहीं रुकेंगे, आप सनब्लॉक करें। और मेरे प्रोडक्ट्स में जो फेस पाउडर्स हैं सनब्लॉक के बाद, अगर फेस पाउडर इनका वो स्किन टोन, मैं बेटी नजर नहीं आ रही तो मैं आपको नहीं बता सकती कौन सा कलर, लेकिन अगर आप कहाँ से? कराची से बोल रही हैं? जी सर, जी कराची। तो अगर आप नाहिद चली जाएं, इम्तियाज थ्री, आगाज, इन शॉप से आएँ तो वहाँ मेरा पूरे ब्रांड की रेंज आपको मिलेगी। वहाँ पे फेस पाउडर्स के कलर सेलेक्ट करके बेटी के स्किन टोन के साथ मैच करके आप एक फेस पाउडर लीजिए, और सनब्लॉक के बाद हल्का हल्का फेस पाउडर लगा के उनको सुबह निकाला करें, क्योंकि फेस पाउडर्स में हमारे इज 15 SPF और ये भी सन को प्रिवेंट करता है कि जिल्द को जलाए ना धूप ना। हाँ जी, अच्छा हारिस से पूछेंगी, क्या पूछना चाहती हैं? हारिस से पूछूंगी कि मैं मेरी बेटी के रिश्ते के बारे में पूछना चाह रही थी, नाम और डेट ऑफ बर्थ जल्दी से। 1992 सेकंड में। ठीक है जी, थैंक यू जी। आसफा अपने स्टार के इतबार से टॉरियन है, और एज अ टॉरियन इस वक्त वीनस अभी थोड़ा दूर है, आई होप सो उनकी लाइफ पार्टनरशिप का जो सही टाइम होगा वो 2012 का एंड होगा, जब वीनस उनको सपोर्ट करेगा, जिसमें ना सिर्फ कामयाब शादी बल्कि इजीली शादी होने के चांसेस हैं। वीनस की ये सपोर्ट उनकी सक्सेसफुल लाइफ को भी इतला दे रही है, और ये सपोर्ट लगातार 7 साल तक चलती रहेगी, इसलिए कोई टेंशन लेने की बात नहीं, और अभी है भी इस एज में कि अभी कोई घबराने की बात नहीं। रही सही कसर उनका बर्थ स्टोन उनको पूरी कर सकता है, एज अ टॉरियन एमरल इज द बर्थ स्टोन विच इज क्रिएटिंग अ लिटिल लक, और उससे चीजें स्मूद और सिल्की परफॉर्म करती रहेंगी इंशाल्लाह। अच्छा यहाँ मेरा एक सवाल है हारिस साहब से, हाँ, जो बर्थ स्टोन होते हैं अगर आप खुद पहने अपना बर्थ स्टोन, उससे कोई फायदा होता है, फर्क आता है? असल में होता, पता है कि मैडम के स्टोन हैव सम कॉस्मिक एनर्जी, स्टोन हैव सम रेडिएशन विच इज वेरी फ्रेंडली टू ह्यूमन नेचर, विच इज वेरी फ्रेंडली टू ह्यूमन स्पिरिचुअलिज्म। तो अपना बर्थ स्टोन से कुछ फर्क पड़ता है? बर्थ स्टोन ही इनफैक्ट आपके लिए फ्रेंडली होता है। अच्छा। दूसरे स्टोन तो फ्रेंडली नहीं होंगे ना, जो अच्छा। आपका बर्थ स्टोन होगा वो लकी स्टोन कहलाता है। जैसे कि आई यूज्ड टू वेयर डायमंड रिंग्स, तो मुझे किसी ने कहा कि यू शुड नॉट वेयर डायमंड रिंग्स, डायमंड के टॉप्स, कोई ऐसी चीज नहीं पहननी है, तो फिर मैंने छोड़ दिया पहनना, हाँ। बेटियों के लिए रख लिया कि चलो ठीक है मैं नहीं पहनती तो। मेरा बर्थ स्टोन एमेथिस्ट है, हाँ। और एमेथिस्ट इज अ ब्यूटीफुल स्टोन, लेकिन आई डोंट वेयर इट इनफ ऑब्वियसली, और थोड़ा है चीप, थोड़ा हाँ, सस्ता है, हाँ। सो एमेथिस्ट की बजाय ब्लू सफायर, ब्लू सफायर, ब्लू सफायर चीप इन अ सेमी प्रेशियस, सेमी प्रेशियस। अच्छा जी, शो का वक्त खत्म हो चुका है, ये बातें हम ऑफ एयर पूछ लेंगे, बाकी हारिस से बहुत मजा आया था, हैड अ ग्रेट टाइम, इट वाज वंडरफुल, इट वाज लवली लवली लवली, एंड आई वाज सो हैप्पी टू हैव यू ऑन माय शो, आई वाज डिलाइटेड, आई एम ऑनर्ड एंड आई एम वेरी लकी कि मैंने आपका इंटरव्यू लिया। और हारिस इंशाल्लाह थर्सडे को फिर हमारे साथ होंगे, आज तो हारिस बहुत घबराए हुए थे, बड़े खुश भी थे, घबराए हुए भी थे कि आज वो अतीका और साहिबा के साथ बैठे, मैं भी बहुत खुश थी, और हमें बहुत मजा आया, हमें फीडबैक दें कि कैसा रहा हमारा शो, एंड प्लीज लव हर प्रोडक्ट्स, जाके खरीदें, बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट हैं और हलाल हैं, जिन
ख़वातीन को प्रॉब्लम होती है लिपस्टिक लगाने से, हेजिटेट करती हैं कि हलाल है नहीं है, ये हलाल है तो ये ज़रूर यूज़ करें। और मैं बहुत मज़ा आया आज के शो में, अपना बहुत ख्याल रखें, मैं आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह कल भी, कल का शो ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त शो होगा। अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।